नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस प्लान की डिटेल आपके स्क्रीन पे मिल जाएगी। ये कॉर्नर का प्लॉट है हमारे क्लाइंट का, 20x22। फ्रंट इनका 20 फीट है और गहरान जो है 22 फीट है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे आपको शॉप मिलेगी और एक साइड में आपको पार्किंग के लिए स्पेस मिलेगा। ऊपर हमने छज्जा दोनों साइड में 3-3 फीट निकाला है, क्योंकि रोड पर आप छज्जा निकाल सकते हैं। आपके एरिया में अगर निकाल सकते हैं तो आप निकालिएगा, अन्यथा आप मत निकालिएगा, ठीक है। एलिवेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे आपको इस तरीके से एलिवेशन का डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पे ग्रिल के पैटर्न में हमने इस डिज़ाइन को बनाया है। दोस्तों, ये ग्रिल का यूज किया, बाकी ये सारे डिज़ाइन आपका ईंट से मतलब ब्रिक्स से आपका ये डिज़ाइन वगैरह बन जाएगा। जो 3 फीट छज्जा है उसी पर हमने बालकनी का लुक दिया है। यहाँ पर आपको इस तरीके से डिज़ाइन का डिज़ाइन CNC कटिंग के भी डिज़ाइन आपको इस तरीके से मिल जाएगी। दोस्तों, ऊपर साइड भी आपका सेम टू सेम यही डिज़ाइन का पैटर्न है, ये आप देख लीजिए। और ये या इस साइड में आपको विंडो का डिजाइन कुछ सिंपल तरीके से हमने दिया है। और ये ऊपर वाला हिस्सा है जो बाउंड्री का डिजाइन है, इसी तरीके से ग्रिल वगैरह के पैटर्न में यूज करके आपको ग्रिल वगैरह का डिजाइन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ इस साइड में भी आपको विंडो का डिजाइन कुछ सेपरेट करके कुछ यूनिक सा डिजाइन करके हमने डिजाइन दिया है। दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसको अपने अकॉर्डिंग भी आप कन्वर्ट डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, और ये आपका रेलिंग का डिजाइन है जो पैरापेट वॉल का डिजाइन है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रिल का यूज किया गया है, बाकी डिजाइन आपका से या ईंट से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। दोस्तों, तो इस तरीके से पूरा एलिवेशन का डिटेल है। दो साइड से रोड है, दो साइड से बंद है। दोस्तों, तो अब चलते हैं अंदर। ये 2 फीट हाइट पे है मकान। यहाँ पे आपको जैसे एंट्री करेंगे तो ये आपका पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाएगा, 7 फीट x11 फीट 2 इंच का, ठीक है। ये जो दोनों दुकानें हैं, दुकान के अंदर से भी एक एक दरवाजा दिया गया है। इस दुकान का जो साइज रखा है 11 फीट 6 इंच x10 फीट 6 इंच का साइज रखा गया है। उसके बगल दूसरी दुकान है, इसका जो साइज रखा गया 11 फीट 6 इंच x10 फीट का साइज है। 11 फीट 6 इंच x10 फीट का साइज है। शटर आपका सामने है। टॉयलेट बाथरूम यहाँ बनाया गया है सीढ़ी के नीचे, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से सीढ़ी के नीचे आप टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। जो भी दुकानदार है वो उसको ये टॉयलेट बाथरूम वो यूज कर सकता है नॉर्मल तरीके से। और स्टेयर का डिजाइन आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्टेयर इस तरीके से आपको डिजाइन का डिजाइन मिल जाएगा। दोस्तों, तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आप एंट्री करेंगे तो ये आपका एक छोटा सा हॉल एरिया मिलेगा। इस हॉल एरिया का जो साइज है 7 फीट x6 फीट 6 इंच का साइज है। ऊपर आपको इस तरीके से सीलिंग लाइट वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएगा। हॉल में ही आपका एक किचन दिया गया है, ये आप किचन देख लीजिए। इस किचन का जो साइज है 7x7 3 फीट हमने छज्जे पे दिया है किचन को। और जो इसका वेंटिलेशन है सामने विंडो के थ्रू हो जाएगा, जो कि बाहर की तरफ ओपन होती है। इस तरीके से आपका 7x7 में किचन आपको मिल जाएगा, इसका वेंटिलेशन बाहर की तरफ आपका हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम का जो साइज रखा गया 14 फीट, इस बेडरूम का जो साइज रखा गया है 14 फीट 10 इंच x10 फीट 6 इंच का साइज रखा गया है। इसमें आपको 2 विंडो मिलेगी, क्योंकि ये बेडरूम आपका कॉर्नर पे पड़ रहा है, तो इसमें आपको 2 विंडो मिलेगी। दोनों रोड की तरफ आपको 2 विंडो आपका ओपन हो जाएगा। सामने आपका इस तरीके से टीवी वगैरह का प्लेसमेंट यहाँ पे सामने इस तरीके से करके डिजाइन दिया गया है। दोस्तों, आप डिजाइन वगैरह देख लीजिए। और बाकी ये आपका बेड वगैरह का प्लेसमेंट यहाँ पे इस तरीके से किया गया है। और ये आपका एक दरवाज़ा दिया गया है जो कि बालकनी में आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस बेडरूम के थ्रू भी आप बालकनी में एक्सेस कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको डिजाइन वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे एक बाथरूम बनाया गया है, बाथरूम का इसको आप टॉयलेट सॉरी ये टॉयलेट है आपका 3.5x3 का साइज़ है। ये आपका टॉयलेट का साइज़ है और बाथरूम का साइज़, दोनों का अलग अलग साइज़ रखा गया है। ये आपका इस तरीके से यहाँ पे टॉयलेट को ओनली प्लेसमेंट किया गया 3.5x3 में साइज़ में बनाया गया है। और इस टॉयलेट का जो दरवाज़ा है वो बाहर बालकनी की तरफ ओपन होगा, ना कि अंदर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। और ये आपका दूसरा बेडरूम है। तो इस बेडरूम का जो साइज़ रखा गया है 11 फीट 6 इंच x10 फीट का साइज़ रखा गया। ऊपर आपको इस तरीके से सीलिंग लाइट, सीलिंग फैन वगैरह इस तरीके से इस पैटर्न इस लुक पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वार्डरोब वगैरह का प्लेसमेंट भी आप कर सकते हैं। और सामने आपका इस तरीके से टीवी वगैरह का प्लेसमेंट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों, प्लान आप पूरा देखें, चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई मकान आपको हमसे बनवाना है तो नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये आपका एक बाथरूम का साइज़ है, ये आपका बाथरूम का साइज़ है, आप देख लीजिए। यहाँ पे नल वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ऊपर आपका यहाँ पे शावर वगैरह का प्लेसमेंट आपका किया गया है। इस बाथरूम का जो साइज़ है 3.5x3 का साइज रखा गया है। दोस्तों, ठीक है, तो इस तरीके से है। बाकी फर्स्ट फ्लोर भी सेम टू सेम बनाया गया है, सॉरी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर सेम टू सेम बनाया गया, तो इसलिए हम सेकंड फ्लोर को नहीं डिस्कस करेंगे। तो आप चलते हैं सीधा मम्टी रूम को सीधा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टेरेस जो आपका बना हुआ है उसी को सीधा डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, इस तरीके से आपको स्टेप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से इस पैटर्न और इस लुक पे आपको स्टेप वगैरह का डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, आप डिजाइन वगैरह इस तरीके से आप देख लीजिए। ये रहा आपका मम्टी रूम।
ठीक है, ये आपका मम्टी रूम है, बाकी पूरा ओपन एरिया है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मम्टी रूम का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, अब चलते हैं सेक्शन प्लान की तरफ दोस्तों। तो ये रहा आपका सेक्शन प्लान, जैसे कि डिस्कस किए, ग्राउंड फ्लोर पे आपको पार्किंग मिल जाएगा, सीढ़ी के नीचे आपका टॉयलेट बाथरूम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये टॉयलेट बाथरूम मिल जाएगा, बाकी ये दो बेडरूम दो यहाँ पे दुकानें आपको इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएंगी दोस्तों, क्योंकि कॉर्नर पे है तो उस साइड दोनों दुकानों का शटर जो है उस साइड में आपका ओपन होगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, फ्रंट में आपको 3 फीट छज्जा दे करके यहाँ पे रूम का साइज बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये आपका किचन हो गया है जो कि 3 फीट छज्जे में भी एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आपका हॉल एरिया हो जाएगा, बीच में टॉयलेट और बाथरूम दोनों अलग अलग बनाए गए, बाथरूम का साइज दरवाज़ा जो है आगे की तरफ से, टॉयलेट का दरवाज़ा पीछे बालकनी की तरफ से दिया गया है, और ये आपका एक बेडरूम है इस तरीके से। तो ये प्लान का पूरा डिटेल है, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्लान का PDF भी आपको मिल जाएगा, तो जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए और चैनल से अपना प्यारा सपोर्ट जरूर बनाए दोस्तों। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।